आंसर किया चुका है, उसमें पेपर बी जो है काफ़ी कठिन बनाया गया था। पेपर बी में काफ़ी कठिन नहीं था, लेकिन बच्चे ज़्यादातर बीटेक वाले डिप्लोमा वाले बैठे थे और पेपर आईटीआई लेवल का था, जिसकी वजह से पेपर बी में काफ़ी बच्चों को कठिनाई हुई और बहुत कम नंबर आए हैं, जिससे ज़्यादातर बच्चों के 18 से लेके 24 तक 25 तक भी आया है। और जबकि पार्ट ए में उन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 60 से लेके 70 70 65 ऐसे स्कोर किया है, लेकिन पार्ट बी में वो लोग फेल हैं। तो क्या पार्ट बी का नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी अगर पार्ट बी का अब मान लें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो एएलपी की कट ऑफ कितनी बन सकती है। कुछ बच्चों का मैंने सर्वे किया है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। जो जनरल का कट ऑफ है ये 45 से 52 रहने की उम्मीद है, और ओबीसी की जो कट ऑफ है 42 48 50 के आसपास रहने की उम्मीद है, और एससी की जो कट ऑफ है 38 से 40, और एसटी का जो कट ऑफ है 35 से 37 नंबर रहने की उम्मीद है। ये एलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बात कर रहे हैं। टेक्नीशियन की बात करते हैं, टेक्नीशियन में देखिए जो जनरल का कट ऑफ जाने की उम्मीद है 60 से 65, इसमें प्लस माइनस 5 नंबर हो सकता है, जैसे 55 से 60 भी जा सकता है, या 70 तो नहीं जाएगा लेकिन प्लस माइनस 5 नंबर हो सकता है। ओबीसी की जो कट ऑफ है 50 से 55 है, एससी की 45 से 50 रहने की उम्मीद है, और एसटी की टेक्नीशियन में 45 से 43 नंबर रहने की उम्मीद है। दोस्तों अगर आपके इसमें पार्ट बी में अगर आप पास हैं और पार्ट ए में 42 45 प्लस नंबर आए हैं, तो आप साइको टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पीयूष गोयल ने बताया था कि मार्च में वो लोगों को नौकरी दे देंगे, तो हो सकता है रेलवे काफ़ी तेज़ प्रोसीजर फॉलो करे, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए।